नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन में अपनी 36 पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर 10 है, नेताजी का चश्मा, उसे हम पढ़ रहे थे। और ये स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है कि जो देश के प्रत्येक नागरिक है, देश का जो हर नागरिक है, वो किस तरह से अपने देश के प्रति अपनी जो भक्ति है, अपना जो प्रेम है, उसको व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति हमारे देश का सैनिक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति महापुरुष नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी कई तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक देश जो होता है वो केवल चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ एक स्थान नहीं होता कि उसे हम देश कह दें। देश बनता है वहां पर रहने वाले नागरिकों से, वहां के वातावरण से, वहां की हवा से, वहां के पानी से, वहां के पेड़ पौधों से, वहां की जलवायु से। तो क्या होता है कि इन सभी चीजों से प्रेम करने वाले, इन सभी चीजों की रक्षा करने वाले ही देशभक्त कहलाते हैं। इनकी समृद्धि चाहने वाले लोग ही देशभक्त कहलाते हैं। और इन सब में सबका तरीका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से अपने देश प्रेम को व्यक्त करते हैं, अपने देश की समृद्धि को चाहते हैं, अपने देश की समृद्धि को बनाए रखते हैं और आगे लेकर जाते हैं। तो उसी बारे में ये पाठ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह जो कैप्टन है, जो चश्मे वाला जो है, वो किस तरह से नेताजी की जो मूर्ति है, अधूरी मूर्ति जो है, उस पर बार बार अलग तरह के वो चश्मे लगाकर उस मूर्ति को पूरा करता था। यानी कि ऐसा लगता है कि उससे नेताजी की जो अधूरी मूर्ति है, शायद वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये चैप्टर हम आज कंटिन्यू करेंगे, आगे भी इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे कि जो चश्मे वाला है वो मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम, ये सोच रहे हैं, जो हवलदार साहब हैं वो सोच रहे हैं कि जो चश्मे वाला है, शायद वो नेताजी से का चश्मा, जब अगर बार बार वो चेंज कर देता है, क्यों चेंज कर देता है, क्योंकि एक वो बहुत कम उसके पास चश्मे हैं, उसकी एक छोटी सी दुकान है और उसके पास कभी भी ग्राहक आता है और उसको वही फ्रेम का चश्मा चाहिए होता है जो नेताजी को पहनाया है। तो वो क्या करता है कि नेताजी के पास से चश्मा लेकर आ जाता है और उनसे क्षमा मांगते हुए उस चश्मे को ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो फिर जो हवलदार साहब है वो, उन्होंने फिर से कहा, वाह भाई, क्या खूब आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो जो पान वाला था, क्योंकि उसने खुद के मुंह में भी पान ठूसा हुआ था, तो अब वो अभी तक वो पहले वाले पान को चबा रहा था और अब वो दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था और दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। फिर से वो आंखों आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, यानी कि जो जो यहाँ पर जो पान वाला है वो थोड़ा सा मोटा तोंद वाला आदमी है और उसने मुंह में पान ठूसा हुआ है। तो सोचिए आप, उसको अगर आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तो कितना कॉमेडी उसका, कितना मजाकिया उसका एक हुलिया है कि वो मुंह में पान ठूसे हुए है और थोड़ा सा हेल्दी सा है। तो फिर वो आंखों आंखों में हंसा उनकी बातें, और बातें भी बिल्कुल यहाँ पे मजाकिया तरह से हो रही है, कि उन्होंने कहा कि दूसरा चश्मा कहाँ गया। तो उन्होंने बताया, वो फिर से आंखों आंखों में हंसा, उसकी टोन थोड़ा सा थिरकी, यानी कि वो मन मन में हंस रहा था। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पान की पीक और पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो मूर्ति बनाई गई थी, ये कस्बा जो है, एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है,
और यहाँ की जो नगर पालिका है वो भी बहुत छोटी सी है। अक्सर वो छोटे 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 मोटे काम अपने इलाके में कराती रहती है, जैसे कभी रैली निकाल दी या कभी किसी चीज के लिए कभी सम्मेलन करवा दिया या छोटे छोटे काम वो अपने शहर में करवाती रहती है। लेकिन ये मूर्ति शायद किसी जोशीले ऑफिसर ने, कि वहां पर किसी का ट्रांसफर हुआ होगा या कोई नया ऑफिसर वहां पर आया होगा उस इलाके में, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आया होगा, तो उसने ये मूर्ति अपने जोश में आकर बनवाई। तो उस टाइम एक जोश तो आ गया कि हाँ, नेताजी की मूर्ति यहाँ पर लगवानी है, क्योंकि शहर का कस्बे का मेन चौराहा है तो यहाँ पर मूर्ति लगवानी है, ये जोश तो आ गया। लेकिन शायद जो उनका बजट था और दोनों चीजें शायद गड़बड़ हो गई, कि शायद उनका जो उन्हें पता नहीं था कि मूर्ति का जो अनुमानित उनका बजट था कि उन्होंने कहा इतने में बन जाएगी और देखा तो बहुत ज्यादा पैसे उसमें लग रहे थे, तो शायद इस कारण कुछ ऐसी गलती हो गई, या कलाकार जो है वो अच्छा नहीं ढूंढ पाए, वो एक ढंग का कलाकार नहीं ढूंढ पाए मूर्ति बनाने के लिए कि जिसको सारी चीजों की नॉलेज हो। तो यही चीज यहाँ पे हुई, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मास्टर बनाना भूल गया, जो कलाकार था वो चश्मा बनाना ही भूल गया नेताजी की मूर्ति पर। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, और पान वाले के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, मजेदार बात थी, कि जो मास्टर है यानी कि जो कलाकार है, जो मूर्तिकार है, वो चश्मा बनाना भूल गया, लेकिन जो हालदार साहब थे उनके लिए चकित करने वाली और द्रवित करने वाली, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि मैं आप सभी जानते हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ कि एक बहुत बड़े महापुरुष हमारे देश में रहे और हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, और ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के ब्रिटिश शासन के टाइम पे हमारे देश में थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उनकी मूर्ति कोई कैसे अधूरी बना सकता है, ये उनका अपमान है, तो हालदार साहब जो है उनके लिए ये बात थोड़ा सा चकित करने वाली थी और थोड़ा सा द्रवित करने वाली थी, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, तो वो ठीक ही सोच रहे थे कि वाकई जो कस्बे का अध्यापक था उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, यानी कि उस कस्बे का, जैसे कि मैंने आपको बताया उस कस्बे में छोटा सा कस्बा था, वहां पर एक बॉयज इंटर कॉलेज था, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज था, तो उस जो छोटे से कस्बे के जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले जो थे, वो मास्टर मोतीलाल ही थे, क्योंकि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और वाकई में ये उस कस्बे के एक अध्यापक थे और जिन्होंने एक महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया होगा, क्योंकि ये सरकारी काम है और सरकारी जो थोड़ा सा जो तंत्र होता है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि उसमें सारे जो काम होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलती हैं, सारी चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर क्योंकि धीरे काम होने की वजह से एक जो समय था वो समाप्त हो रहा था, तो उस अंतिम कुछ समय में उन्होंने ये मूर्ति बनाने का निर्णय लिया था, और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, यानी कि मूर्ति बनाकर मैं आपको दे दूंगा, और बना भी ली होगी, क्योंकि ये जल्दीबाजी का काम ही हो सकता है कि एक महीने के अंदर मूर्ति बनाई और उसमें चश्मा बनाना भूल गए। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, और शायद कि पत्थर में कैसे पारदर्शी चश्मा बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है मैं एक महीने के अंदर जो मूर्ति है वो बनाकर आपको दे दूंगा, तो अपने उस एक महीने के अंदर वो ये कंफर्म नहीं कर पाए, ये सोच नहीं पाए कि मैं पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाऊं, पत्थर की मूर्ति पर मैं चश्मा कैसे चढ़ाऊं, तो अगर कांच वाला बनाऊं या पत्थर वाला बनाऊं, शायद वो इस बात को तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा
टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, तो ये सारी चीजें हलदार साहब के दिमाग में चल रही है, सारी बातें कि जब पान वाले ने कहा कि मास्टर बनाना भूल गया, तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आई कि क्या क्या हुआ होगा उस समय, क्या क्या चीजें हुई होंगी, कि शायद उन्होंने मूर्ति एक महीने में बनाने का वादा किया होगा तो वो बना नहीं पाए होंगे, शायद उन्होंने बना भी ली होगी लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा वो कैसे बनाए वो उन्हें पता नहीं होगा, शायद फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो कांच वाला चश्मा लगाए तो वो तय नहीं कर पाए होंगे इस चीज को, या फिर उन्होंने बहुत कोशिश की होगी बनाने की और वो असफल रहे होंगे, या फिर वो उस पत्थर को और बारीकी से घिसने के चक्कर में जो चश्मा है वो टूट गया होगा, या फिर उन्होंने पत्थर का ही चश्मा बनाया होगा और वो बनाकर अलग से फिट किया होगा तो वो गिर गया होगा। तो उफ, इतने सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। अब हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, उन्हें ये सारी चीजें, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा विचित्र, बिल्कुल अलग ये सारी बातें लग रही थी और बहुत ही ज्यादा कौतुक भरी यानी कि आश्चर्य से भरी हुई लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ बढ़ चले। अब उन्होंने फिर से वो जो पान वाला था उसको पैसे चुकाए, उसके पान के पैसे दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक हुए, यानी कि क्योंकि शायद, और उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारे तथ्य उन्होंने बनाए थे कि शायद उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के पसंद नहीं है इसीलिए वो ये सारी चीजें करता है, तो वो करता तो है, उसको पता है कि नेताजी के पास चश्मा होता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होता है, तो अगर वो एक परमानेंट चश्मा उन्हें नहीं दे सकता है तो वो अपनी तरफ से उससे जितना हो सकता है वो करता है, वो कभी भी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, वो भले ही अगर उसका कोई ग्राहक उससे सेम फ्रेम वाला चश्मा मांग लेता है तो वो वहां से निकाल कर ग्राहक को दे देता है और उनसे क्षमा मांगते हुए दूसरा चश्मा उन पर लगा देता है। तो फिर ये सारी बातें सोचते हुए वो जीप की तरफ बढ़े, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? तो अब उनके मन में एक और विचार आया, फिर वो अपनी जीप से उतरे और पीछे मुड़े और पान वाले के पास फिर से गए और पूछा, क्या जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर जो आजाद हिंद फौज रही थी यानी कि हमारे देश का कोई पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, क्या वो नेताजी के समय का कोई व्यक्ति है या नेताजी का ही कोई साथी है? तो पान वाला नया पान खा रहा था, तो अब ये पान वाले का तीसरा पान था, वो एक नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवालदार साहब को ध्यान से देखा। अब वो फिर से तीसरा पान अपने मुंह में डालने को था और पान को पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच पीछे रोककर वो हवालदार साहब को ध्यान से देखने लगा, फिर अपनी लाल और काली बत्तीसी दिखाई, फिर से वो मुस्कुराया, फिर से हंसा और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो क्योंकि वो जो चश्मे वाला था वो बहुत ही ज्यादा गरीब और एक थोड़ा सा बहुत अच्छे से वो चल फिर नहीं पाता था, तो उसने फिर से मुस्कुराया, वो हंसा और उसने अपनी लाल काली बत्तीसी फिर से दिखाई और कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। फिर उसने मजाक के तौर पर फिर से जो हवलदार साहब हैं उन्हें ये बात कही, फिर हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जब हवलदार साहब ने
पान वाले की ये बात सुनी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चश्मे वाला एक देशभक्त व्यक्ति था। भले ही उसकी स्थिति कैसी भी थी, लेकिन उसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति सम्मान जो था, उसके लिए वो एक देशभक्त व्यक्ति था। तो ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी कि मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। कैसे एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था। अभी जैसे ही उन्होंने पीछे, क्योंकि चश्मे वाले के बारे में जो पान वाला है उसने बता दिया था, तो उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने पीछे देखा एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, क्योंकि उसकी कोई दुकान नहीं थी। उस बेचारे के पास ना तो कोई दुकान थी, वो एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति था। वो बस आप रोड साइड वो अपना जो बांस का डंडा था उसे वो खड़ा कर लिया करता था और अपनी अटैची वहां पर खोल दिया करता था, तो उसी से वो अपने चश्मे बेचा करता था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता है, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब हवालदार साहब जो है चक्कर में पड़ गए। अब वो दूसरा एक और प्रश्न उनके मन में आ गया, आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि कैप्टन नाम जो उसका रखा हुआ था, कैप्टन चश्मे वाला, तो अगर इस नाम के हिसाब से अगर उसे देखा जाए तो वो एक हष्ट पुष्ट अच्छा खासा व्यक्ति लगता है और जो चश्मे बेचने का व्यापार करता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग थी कि वो जो बंदा था वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा सा था, मरियल था और थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता था और गांधी टोपी लगाए हुए था और छोटी सी संदूकची उसके पास थी और दूसरे हाथ में बांस का एक डंडा था जिस पर वो चश्मे लिए चल रहा था और उसकी कोई अपनी दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाता था। और अब उन्हें ये बात, ये सारी चीजें देखकर समझ नहीं आ रही थी कि इसे आखिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो पान वाले ने कहा कि मैं अब आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, अब मैं आपसे इस बारे में, यानी कि जो ये कैप्टन है या जो चश्मे वाला है, इसके बारे में आप कोई बातें मैं आपसे नहीं करूंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। अब जो ड्राइवर था, क्योंकि जो हवलदार साहब हैं वो, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि वो हर 15 दिन में अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते हैं, तो उनका जो ड्राइवर था वो भी बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, क्योंकि काफी देर जो हवलदार साहब हैं उन्होंने पान वाले की दुकान पर काफी समय लगा दिया था। तो अब उन्हें काम भी था और अब हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है, तो इस तरह का सेम जो चित्र है ये अभी हम इमेजिन करते हुए आ रहे थे अपनी पाठ्य पुस्तिका में, अपने चैप्टर को पढ़ते हुए, कि एक छोटा सा कस्बा है जहां पर मैंने आपको बताया कुछ गिने चुने जो घर मकान है या गिने चुने कुछ दुकानें हैं जो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, बाकी सब कच्चे ईंटों की हैं। और यहाँ पर एक बॉयज स्कूल है, यानी कि एक राजकीय बॉयज स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ पर की जो स्थिति है कि एक मेन चौराहा जो है उस पर सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा बनाई हुई है
और जो प्रतिमा है वो काफी सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को नेताजी के नारे याद दिलाती है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन उस मूर्ति की मैं एक कमी जो है वो बहुत ज्यादा खलती है कि उनका जो चश्मा है वो नहीं बनाया गया है। तो उस चश्मे की जो कहानी है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है चित्र में, कि इस तरह का एक बूढ़ा सा मरियल व्यक्ति है जो चश्मे बेचने का काम करता है। और आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि एक अटैची उसके पास है, एक संदूकची उसके पास है और एक बांस का डंडा है जिस पर वो चश्मे लगाए हुए चश्मे बेच रहा है। काफी चश्मे उसमें है और ग्राहक जब उसके पास आते हैं तो अगर ग्राहक को इस फ्रेम का चश्मा पसंद आता है तो वो ग्राहक को ये वाला चश्मा पहना देते हैं, दे देते हैं और इस चश्मे को वो नेताजी को लगा देते हैं। तो अब ये 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब ये सिलसिला पूरे 2 साल तक चला। जो हवलदार साहब हैं वो हर महीने हर 15 दिन में अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे, उस कस्बे से जाते थे और हर बार वो नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था। ऐसा नहीं है कि चश्मा कभी नहीं होता था, चश्मा हमेशा होता था। कभी लाल होगा तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांच का चश्मा, कभी गोगो चश्मा कभी चौकोर चश्मा, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि चश्मा नहीं होता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब 2 साल से लगातार जो हवलदार साहब थे वो इस प्रक्रिया को देख रहे थे। इस धूल भरी यात्रा यानी कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्बा जो है वो ज्यादातर वहां पर कच्ची सड़कें थी, कच्ची इमारतें थी, तो वो धूल भरा कस्बा था, बहुत अच्छा वहां का एक जो वातावरण था वो नहीं था। तो इस धूल भरी यात्रा में जो उनका कौतुक था और जो उनकी प्रसन्नता के कुछ क्षण जो थे उनको हर बार वो चश्मा देता था। वो एक्साइटेड रहते थे हर बार, वो उत्साहित रहते थे हर बार कि इस बार भी कुछ अलग चश्मा होगा। नेक्स्ट टाइम आते थे, इस बार भी कुछ अलग चश्मा होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आते थे, अरे इस बार भी कुछ अलग चश्मा है। तो हर बार वहां पर उन्हें कुछ नया कौतुक और कुछ प्रसन्नता के क्षण जो है मिल जाया करते थे उस धूल भरे रास्ते में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। और एक दिन ऐसा आया कि जब जो हवलदार साहब हैं उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था और उस दिन उस पान वाले की दुकान भी बंद थी कि जिससे पूछा जा सके। और अक्सर जो अधिकांश दुकानें थी आसपास की चौराहे की वो दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज शायद कुछ गड़बड़ है, तो ये छुट्टी का दिन भी हो सकता है, तो यहाँ पर चश्मा नहीं है। लेकिन फिर वो 15 दिन बाद लौटे तो उन्होंने देखा फिर से मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। अब हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो हवलदार साहब का जो एक आश्चर्य था वो प्रश्न में बदला और उन्होंने धीरे से पान वाले से प्रश्न कर ही दिया कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो यहाँ पर बहुत ही एक दुखद घटना हुई कि जो कैप्टन था, जो चश्मे वाला था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
और कुछ नहीं पूछ पाए हवालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, देखिए जो हवालदार साहब थे उन्होंने पूछा और उसके बाद जब कैप्टन, उन्होंने कहा कि साहब कैप्टन मर गया और वो कुछ भी उससे नहीं पूछ पाए। अब हवालदार साहब जो थे वो चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने पान के पैसे चुकाकर वो जीप में बैठ गए और बार बार सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस देश का जहाँ जो लोग अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, अपनी जवानी, जिंदगी सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने का जो मौका है फिर भी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है जो ये लोग हमारे जो है वो, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए और 15 दिन बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि जो हमारे देश के कुछ जो लोग हैं वो अपनी तरफ से जब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो समाज उन पर कभी ना कभी हंसता है। वो बहुत दुखी हो गए और जब वो नेक्स्ट टाइम फिर आए उस कस्बे में तो कस्बे पे पहुंचने से पहले ही उनकी जो हृदय स्थली है उसमें सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर बढ़े और लपके उसके ठीक सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसे कि बच्चे बना लेते हैं और हवालदार साहब भावुक है इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो आखिर उनके क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो उस जगह पर नहीं रुकना चाहेंगे क्योंकि शायद ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि उन्हें अब उस चौराहे पर रुकना चाहिए क्योंकि मास्टर जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन जो था उनकी आंखों पर जो हर दिन नए चश्मे लगाया करता था वो मर चुका था। तो उनका जो मन था वो बहुत ज्यादा बहुत उदास था कि आज वो उस जगह पर नहीं रुकेंगे, आज वो वहां पर पान भी नहीं खाएंगे, लेकिन क्योंकि वो आदत से मजबूर थे और चौराहा आते ही उनकी जो आंखें हैं वो मूर्ति की तरफ उठ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी जो जीप थी वो बहुत स्पीड में थी और उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि ब्रेक मारो, रुको, और इतनी जोर से जीप रुकी कि रास्ता चलने वाले लोग भी देखते रहे और जो हवालदार साहब थे वो जीप से कूदे, अचानक से उतरे और उन्होंने देखा मूर्ति की तरफ जाकर वो जब लपके और उन्होंने एक तक ही लगाकर मूर्ति की तरफ देखा और उन्होंने वहां पाया कि उस मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ है और जैसा कि अक्सर बच्चे बना लिया करते हैं। अब इस बात पर हवालदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो आपको क्या इस बात से पता चला है कि आज भी हमारे देश में देशभक्ति लोगों के मन से नहीं गई है। हमारे देश में लोग अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकता है, जिस तरह से उनसे हो सकता है, वो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के काम आना चाहते हैं, अपने देश प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं।
तो बच्चों आज का ये चैप्टर नेताजी का चश्मा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ये पाठ हमें बहुत ही अच्छी सीख देता है कि भले ही आप किसी बड़े स्तर से आप अपने देश के प्रेम, अपने देश के प्रति अपने प्रेम को नहीं व्यक्त कर सकते, अपने देशभक्ति को नहीं व्यक्त कर सकते, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने देश के काम आ सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आस पास के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आप अपने आस पास की गंदगी साफ करके, अपने आस पास के वातावरण को स्वच्छ बनाकर, अपने आस पास पेड़ पौधे लगाकर समाज में एक नई आप चेतना जगा सकते हैं कि आप अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, और बहुत सारे आप की कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं, या पानी को सेव करें, बिजली को सेव करें। तो आपके अपने तरीके से आप बहुत सारे ऐसे तरीके अपना कर अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।